Welcome to all. In my previous lecture, I have told that there are many algorithms of CPU scheduling. In this lecture, I will talk about priority scheduling and round robin scheduling. In priority scheduling, in which priority is associated with each process and the CPU is allocated to the process with highest priority. शेड्यूलिंग मीन्स शेड्यूलिंग ये होता है कि कोई भी प्रोसेस सीपीयू में कब एलोकेट होगा और सबसे पहले कौन सा होगा ये डिसाइड किया जाता है. तो इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में सीपीयू में सबसे पहला प्रोसेस वही एलोकेट होगा जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी. इन दिस एग्जांपल देयर आर फाइव प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4 एंड P5. ईच प्रोसेस assigned priority, burst time and waiting time. In this diagram, in this table, P2 have highest priority, number one priority. So in this Gantt chart, CPU mein sabse pehla process allocate hoga P2. P2 waiting time is 0 and next highest, second highest priority P5 के पास प्रायोरिटी है 2. तो अगला प्रोसेस सीपीयू में एलोकेट होगा P5. थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी P1 एंड फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी P3 एंड लास्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी P4. वी विल मेक अ ग्रैंड चार्ट. सबसे पहला प्रोसेस सीपीयू में P2 को एंटर करवाएंगे, देन P5 को एंड P1 को, P3 एंड लास्ट P4. According to the priority, P2 का वेटिंग टाइम है 0 क्योंकि वो सबसे पहले CPU में आया. कितना वो चला CPU में? 1 चलने के बाद सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी थी? P5 की. P5 को एंटर करवाया और वो कितना चला? 5 मिली सेकेंड. देन 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट P1 की टर्न आई, P1 को हमने CPU में एंटर करवाया और वो कितना चला? 10 मिली सेकेंड. तो 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16. नेक्स्ट टर्म किसकी आई? P3 की. P3 की हाईएस्ट P3 की प्रायोरिटी थी 4 नंबर पे. तो 4 नंबर पे किसको एंटर करवाएंगे? P3 को. और P3 CPU में कितना चला? 2 मिली सेकेंड. तो 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 मिली सेकेंड. एंड लास्ट प्रायोरिटी थी P4 की. 5 नंबर पे प्रायोरिटी थी तो P4 को हमने 5 नंबर पे एंटर करवाया CPU में और वो कितना चला? 1 मिली सेकेंड. तो 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19 मिली सेकेंड. एट लास्ट वी कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम. तो P2 का वेटिंग टाइम कितना है? 0. P5 का वेटिंग टाइम है 1. P1 का है 6. P3 का है 16 एंड P4 का है 18. बट हम एवरेज वेटिंग टाइम में असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोसेस को कैलकुलेट करेंगे. P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 डिवाइड बाय 5, यानी कि वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ द प्रोसेस. P1 का वेटिंग टाइम 6, P2 का 0, P3 का 16, P4 का 18 एंड P5 का 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 8.5 मिली सेकेंड. नेक्स्ट शेड्यूलिंग इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग. इन दिस शेड्यूलिंग प्रोसेस आर डिस्पैच्ड फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर, बट आर अ गिवन लिमिटेड अमाउंट ऑफ CPU टाइम कॉल्ड टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम. इस डायग्राम में वेटिंग टाइम नहीं है क्योंकि हम इस शेड्यूलिंग में प्रोसेस को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग हम CPU में एलोकेट करते हैं. और लेकिन टाइम हम वही एलोकेट करेंगे जो हमारे पास टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम होगा. तो वी हैव अ टाइम स्लाइस 4 मिली सेकेंड. वी विल मेक ग्रैंड चार्ट. P1 का बर्स्ट टाइम है 24, P2 का बर्स्ट टाइम है 3 एंड P3 का बर्स्ट टाइम है 3. तो सबसे पहले हम प्रोसेस P1 को हम CPU में एलोकेट करेंगे.
वेटिंग टाइम होगा उसका जीरो, क्योंकि वो सबसे पहले आया, वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन हमारे पास टाइम क्वांटम कितना है, 4 मिलीसेकंड। तो 0 + 4 = 4 मिलीसेकंड वो सीपीयू में चला। देन अगेन टर्म बारी आई P2 की, P2 का बर्स्ट टाइम है 3, लेकिन हमारे पास टाइम स्लाइस है 4। जब उसको 3 की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको 3 मिलीसेकंड सीपीयू में चलाएंगे, तो यानी कि 4 + 3 = 7 मिलीसेकंड। एंड P3 का भी अगेन बर्स्ट टाइम है 3 मिलीसेकंड, तो हम उसको 3 मिलीसेकंड ही सीपीयू में एलोकेट करेंगे, तो 7 + 3 = 10। अभी हमें इस टेबल में देखा कि P1 का बस टाइम है 24, लेकिन हमने एलोकेट किया उसको 4, तो यानी कि 20 मिलीसेकंड अभी उसको और सीपीयू में चलने की नीड है, सीपीयू उसको चाहिए 20 मिलीसेकंड। तो हम 4 है हमारे पास टाइम क्वांटम, तो 20 ÷ 4 = 5 टाइम अभी हमने P1 को डिवाइड करके सीपीयू में एलोकेट करना है। तो 4 × 10 + 4 = 14, 14 + 4 = 18, 18 + 4 = 22, 22 + 4 = 26, एंड 26 + 4 = 30। 5 टाइम डिवाइड करके हम उसको सीपीयू में पूरा टाइम देंगे, पूरा एलोकेट करेंगे। देन वी कैलकुलेट वेटिंग टाइम ऑफ P1। P1 सबसे पहले आया 0 वेटिंग टाइम पे, फिर अगेन वेट किया उसने 10 मिलीसेकंड, लेकिन पहले वो 4 चल चुका है, तो 0 + 10 - 4, क्योंकि -4 इसलिए किया क्योंकि वो पहले 4 मिलीसेकंड सीपीयू में एलोकेट हो चुका है। तो वेटिंग टाइम ऑफ P1 0 + 10 - 4 = 6 मिलीसेकंड। तो P2 का वेटिंग टाइम है 4 मिलीसेकंड, P3 का वेटिंग टाइम है 7 मिलीसेकंड। एट लास्ट वी विल कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम में P1 + P2 + P3 ÷ 3 = 6 + 4 + 7 ÷ 3 = 5.6 मिलीसेकंड। थैंक यू।